हम बहस शुरू करें उससे पहले आपको बताते हैं कि इस शो के दौरान अगले एक घंटे में चार राउंड होंगे। पहला राउंड होगा सफाई एट द रेट ऑफ 60 सेकेंड, यानी सभी मेहमानों को मिलेंगे 60-60 सेकेंड अपनी बात रखने के लिए। इसके बाद सबसे बड़े सवाल का राउंड होगा जिस हिस्से में हम आज के मुद्दे पर बहस करेंगे। अगले राउंड में मेहमान आमने सामने होंगे, यानी पक्ष और विपक्ष अपने अपने तर्कों के साथ एक दूसरे के सामने होंगे। और अंत में होगा रैपिड फायर राउंड जिसमें मेहमानों से सीधे सवाल पूछे जाएंगे। और अब आपको बताते हैं कि आज का मुद्दा क्या है जिस पर हम चर्चा करने वाले हैं। कल ही यूपी के राज्यपाल ने कासगंज की हिंसा को सूबे के माथे पर कलंक करार दिया था, लेकिन कलंक धोने के जिम्मेदार जनप्रतिनिधियों की जुबान कलंक को और बड़ा करने पर आमादा है। बीजेपी के राज्यसभा सांसद ने तो आज यहां तक कह दिया कि योगी राज में हिंसा करने वालों का जिंदा पोस्टमार्टम होगा। उधर बरेली के डीएम राघवेंद्र विक्रम ने कासगंज हिंसा पर फेसबुक पोस्ट के जरिए हिंदुत्ववादियों को आड़े हाथों लिया तो उन्हें सरकार की फटकार झेलनी पड़ी। इसलिए बताना तो पड़ेगा, में हमारा आज का सवाल है कि क्या जिंदा पोस्टमार्टम से दंगे रोकेगी योगी सरकार? क्या ये योगी सरकार की नीति है? पाकिस्तान जिंदाबाद का फैशन क्या समाजवादियों की देन है? निकम्मे अफसरों की वजह से क्या सुलगा कासगंज? इन सवालों के साथ हम मेहमानों के साथ चर्चा करेंगे, लेकिन पहले सुनिए और देखिए संविधान बचाओ किस तरह से नेताओं के बोल फिसल रहे हैं। अगर जो इस प्रकार का कार्रवाई करेंगे तो जिंदा पोस्टमार्टम उनका होगा, ये लोगों को बात समझनी चाहिए। मुर्दे का पोस्टमार्टम तो सुना था, लेकिन जिंदा पोस्टमार्टम का जिक्र पहली बार गूंजा है। कानों के अहाते में बीजेपी सांसद विनय कटियार के इस भड़काऊ बयान ने एक बार फिर से यह सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या नेताओं की जुबान का कोई दायरा नहीं होता? जोश में होश खोने का हक इन महानुभावों ने किस संविधान से हासिल किया है, खासकर ऐसे हालात में जब देश का सबसे बड़ा सूबा सांप्रदायिक हिंसा की लपटों में घिरा हो? प्रदेश के गवर्नर कासगंज की घटना को यूपी का कलंक बता रहे हूँ, ये रहनुमा गड़े मुर्दे कैसे उखाड़ सकते हैं? लेकिन जी मीडिया के सवाल पर हिंदुत्व के इस हार्डकोर नेता ने सांप्रदायिकता का सारा ठीकरा पिछली सरकारों पर ही फोड़ दिया। कहा समाजवादियों के शासनकाल में पाकिस्तान जिंदाबाद फैशन बन चुका था, देश विरोधी लोग बेलगाम हो चुके थे, मौजूदा निजाम में ये नाकाबिले बर्दाश्त है। पाकिस्तान का जिंदाबाद का नारा और पाकिस्तान का झंडा फहराया जाए जो फैशन पहले पुरानी सरकारों में बना था, वो नहीं बनने वाला है। कड़ाई की जाएगी, याद करेंगे लोग। बेशक पिछली सरकारों का दामन दंगों से दागदार रहा है। समाजवादी पार्टी के सर्वे सर्वा अखिलेश यादव के 5 साल के कार्यकाल में 25,000 से ज्यादा दंगे हुए जिसमें 100 से ज्यादा लोग मारे गए तो वहीं 600 से ज्यादा लोग जख्मी हुए। इस दौरान मुरादाबाद, मेरठ, अयोध्या और बरेली दंगों की आग में झुलसा तो मुजफ्फरनगर में भड़की चिंगारी ने पूरे सूबे को अपनी चपेट में ले लिया। नफरत की उस आंधी के असर से पड़ोसी राज्य भी अछूते नहीं रहे। जाहिर है जब कटियार ने पिछली सरकारों की पोल खोली तो एसपी बीएसपी को मिर्ची लग गई। बरेली के डीएम के फेसबुक पोस्ट और राज्यपाल के कलंक वाले बयान की आड़ में दोनों ही पार्टियों ने योगी सरकार के खिलाफ हल्ला बोल दिया। बड़े अच्छे ऊंचे पद पे हैं और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, क्या कह रहे हैं? ये नहीं भड़का रहे, ये कह रहे हैं पाकिस्तान के लोग वहाँ के रहने लग गए। अरे भैया, हम सब हिंदुस्तान के लोग हैं। कासगंज में जो लोग रहते हैं पाकिस्तानी है क्या? देखिए, जो कासगंज की घटना है हमें फिर से ताज़ा याद करा देती है गोधरा की। उस समय के प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था कि वहाँ के गुजरात के मुख्यमंत्री जो आज के वर्तमान के प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने अपना धर्म और राजधर्म जो है उसका ठीक से पालन नहीं किया। कासगंज की हिंसा पर हो रही सियासत से इतर सूबे के मुखिया ने दो टूक कह दिया कि सरकार अराजक तत्वों पर कोई रहम नहीं करेगी, कसूरवारों पर सख्ती से कार्रवाई होगी बिना किसी भेदभाव के। प्रदेश के अंदर बिना भेदभाव के विकास की योजना का लाभ हर व्यक्ति तक पहुंचाना और प्रदेश के हर नागरिक को सुरक्षा प्रदान करना, इसके लिए हमारी सरकार पूरी तरह प्रतिबद्ध है। भ्रष्टाचारी और अराजकता फैलाने वाले तत्वों के साथ सरकार बहुत सख्ती के साथ निपटने का कार्य करेगी। सीएम योगी का ये बयान भरोसा पैदा करता है क्योंकि अपराधियों के खिलाफ उनके एक्शन ने रिकॉर्ड कायम किए हैं।
लेकिन कसूरवार सिर्फ उन्हें ही नहीं कहा जा सकता जो हथियारों के साथ गिरफ्तार होते हैं, बल्कि वे बयानवीर भी हैं जिनकी जुबान इस आग को हवा देती है, सूबे पर कलंक का सबब बनती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बताना तो पड़ेगा, मैं अब मिलिए हमारे आज के मेहमानों से, चर्चा जिनके साथ हम करने वाले हैं। राकेश त्रिपाठी हमारे साथ मौजूद हैं। राकेश त्रिपाठी यूपी बीजेपी के प्रवक्ता हैं और बीजेपी का और राज्य सरकार का पक्ष रखेंगे। हमारे साथ विजय शंकर तिवारी मौजूद हैं, विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं विजय शंकर तिवारी, भारतीय धरोहर पुस्तिका के संपादक भी हैं हमारे साथ। इसके अलावा सैयद अतहर हुसैन देहलवी मौजूद हैं जो अंजुमन मिन्हाज रसूल के अध्यक्ष हैं। इसके अलावा हमारे साथ समाजवादी पार्टी के नेता जुड़ेंगे, लेकिन हमारे साथ कांग्रेस पार्टी से आलोक शर्मा मौजूद हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं, सिविल इंजीनियरिंग और एमबीए की पढ़ाई की है, 20 सालों तक यूथ कांग्रेस में जुड़े रहे हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं फिलहाल। आलोक शर्मा जी से कांग्रेस का पक्ष जानेंगे। और अब सबसे पहले हमारा राउंड होगा सफाई एट द रेट ऑफ 60 सेकंड। सबसे पहले राकेश त्रिपाठी जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, क्या सरकार की नीति वही है जो कह रहे हैं विनय कटियार? देखिए, सरकार की नीति बिल्कुल स्पष्ट है कि कोई भी अगर अमन चैन को चुनौती देने का काम करेगा तो सरकार पूरी शक्ति के साथ निपटेगी। उत्तर प्रदेश की पुलिस को पूरी तरह से इस बात की छूट दी गई है कि वो बिना किसी दबाव और प्रभाव में आए जो भी अपराधी हैं, जो भी अराजक तत्व हैं, उनके साथ पूरी शक्ति से पेश आए। कोई भी किसी भी राजनीतिक दल से जुड़ा हुआ हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी मजहब का हो, उसको किसी आधार पर छूट नहीं मिल सकती है। जो अपराध करेगा उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। और ये केवल हमने कहा नहीं है, बल्कि 9 महीने की जो हमारी सरकार है, उस 9 महीने की सरकार में हम अपराधियों के साथ सख्ती से पेश आए हैं। पिछली सरकार के समय में ये अपराधी खाकी वर्दी पर गोली चलाने में डरते नहीं थे, और आज इसी पुलिस का मनोबल इतना बढ़ा है कि आज पुलिस वाले अपराधियों का एनकाउंटर में मार गिरा रही है। उत्तर प्रदेश में अपराधियों को जो संगठित अपराध है उसकी कमर तोड़ने के लिए हमने प्रयास किया, और हम उत्तर प्रदेश में यूपी कोका जैसा कानून ला करके जो संगठित अपराध है उस संगठित अपराध को भी पूरी तरह से समाप्त करने के लिए संकल्पित हैं। उत्तर प्रदेश इसलिए मैंने आपको बीच में नहीं टोका, लेकिन आपने सीधा जवाब मैं आपसे चाहूंगी जरूर, क्या जिंदा पोस्टमार्टम करना आपकी सरकार की नीति है? देखिए, जिंदा पोस्टमार्टम का साफ साफ अभिप्राय है सख्ती से कार्रवाई करना। पोस्टमार्टम हमेशा मरने के बाद होता है, जिंदा पोस्टमार्टम शब्द का कोई मतलब नहीं होता है। इसका साफ साफ अभिप्राय है कि सख्ती से कार्रवाई होगी। उत्तर प्रदेश में पिछली सरकारों ने नरमी बरती है पोस्टमार्टम का, तो एक मतलब ये भी निकल सकता है ना कि सीधा एनकाउंटर कर देना। जिंदा पोस्टमार्टम का एक अभिप्राय तो ये भी निकलता है ना। निश्चित तौर पर जो खाकी पर गोली चलाने का प्रयास करेगा, जो अमन चैन को चुनौती देने का काम करेगा, जो गोली चलाएगा उसके साथ इसी भाषा में बात होगी, उसके साथ सीधा एनकाउंटर कर देंगे। ठीक है, हमारे साथ इसके अलावा कांग्रेस पार्टी से आलोक जी मौजूद हैं। आलोक जी, आपके 60 सेकंड शुरू होते हैं अब। सुन लिया आपने सरकार की नीति क्या है, क्या इसके जरिए दंगों पर काबू हो पाएगा? देखिए, मैं समझता हूं कि जिस समय पर इस तरह की आवाज हो, पूरे प्रदेश के अंदर सांप्रदायिक हवा फैल रही हो, उस समय पर इस तरह के बयान की कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। खासतौर पर वो व्यक्ति जो स्वयं राज्यसभा का सांसद हो और जिस तरह से उनका इतिहास रहा हो, तमाम बयान और पूरे हिंदुत्व की एक धारा के साथ जिनका जुड़ाव रहा हो, उनको संयम के साथ इस तरह की कोई भी बयान देना चाहिए। आज प्रदेश के अंदर अभी तक कासगंज 3-4 दिन से था, आज अमेठी में भी इस तरह की चीजें सुन रहे हैं, थोड़े दिन पहले सहारनपुर में था। आज लॉ एंड ऑर्डर को कैसे कंट्रोल किया जाए, बीजेपी का और राज्य की सरकार का ये काम होना चाहिए। अच्छी बात है, योगी साहब ने 4-5 दिन के बाद चुप्पी तोड़ी है, आज वो बोले भी हैं, लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है कि इतने लंबे समय तक वहां पर ऐसी घटनाएं होती रही। आपने 5 दिन के बाद एसपी को हटाने का नौटंकी की है, आपका प्रशासन वहां पर पूरी तरह से फेल हो गया है, आप किसी भी तरह से लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल नहीं कर पाए। आज आप तमाम चीजें, तमाम बड़े बड़े बयान, जिंदा पोस्टमार्टम और बड़े बड़े बयानवीर आप बन रहे हैं। अभी पिछले 8-9 महीने में हमने देखा है यूपी के अंदर। ठीक है सर, आपका समय पूरा हो गया। आपके मुताबिक इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए थी। राज्यसभा के सांसद भी हैं विनय कटियार, विजय शंकर तिवारी जी, क्या ये आग में घी डालने का काम है? क्या भाषा और संयमित होनी चाहिए वो उन तमाम लोगों की जो जिम्मेदार पदों पर बैठे हैं, लेकिन आग में घी डाला जा रहा है क्या? देखो सुमेरा, एक बार फिर जो सर्वधर्म संभाव की बात करते हैं,
बड़ी बड़ी बातें करते हैं वो बेनकाब हो गए हैं। आप एक स्क्रिप्ट देख लीजिए, वर्षों से एक स्क्रिप्ट काम कर रही है। गौरी लंकेश का मामला होगा तो वहाँ बयानबाजी करेंगे, उसके साथ खड़े हो जाएंगे। चाहे रोहित बेमुला की बात होगी तो उसके साथ खड़े हो जाएंगे। जेएनयू की घटना होगी तो उनके साथ खड़े हो जाएंगे। जो देश की बंटवारे की बात करते हैं उनके साथ खड़े हो जाएंगे। लेकिन जब आगरा का अरुण माहौर मारा जाता है उस पर एक भी शब्द नहीं फूटता। प्रशांत पुजारी कर्नाटक में मारा जाता है, एक भी शब्द नहीं फूटता है। और अभी ताज़ा कासगंज में चंदन मारा गया, तो उसको मारने वालों को बचाने की एक लंबी लाइन लगी हुई है। ये जो स्क्रिप्ट काम कर रही है ये इस जनता को बरगलाने के लिए है। लेकिन ये जनता बहुत समझदार है सुमेरा, अब ये इनके बहकावे में बार बार नहीं आएगी। उनको पता है कि इस प्रकार की घटनाएं कहां होती हैं और कौन करता है। कासगंज का की घटना ये मील का पत्थर नहीं है, इसके पहले मील के पत्थर गाड़े जा चुके हैं। देश की जनता को पता है कि चंदन को किसने मारा और उसको न्याय मिलना चाहिए, 50 लाख रुपए मिलना चाहिए। हमारे साथ अनिल यादव भी जुड़ गए हैं समाजवादी पार्टी से। अनिल यादव, आपने सुना कि पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने की जो परंपरा है, जो प्रथा है, ये शुरू हुई है समाजवादियों के दौर में। इस तरह के आरोप आप पर लग रहे हैं कि आपने बढ़ावा दिया है और उस वजह से इस तरह के हालात पैदा हुए हैं। क्या समाजवादी जिम्मेदार है इस तरह के हालात पैदा होने के लिए उत्तर प्रदेश में? आपके 60 सेकंड शुरू होते हैं, आप अपना पक्ष रख सकते हैं इस मुद्दे पर। सुमेरा जी, पहले तो मैं आपकी बात का जवाब दे देता हूं कि आज जो दर्शक हमें देख रहे होंगे, जो 325 सीट भारतीय जनता पार्टी को देने वाले दर्शक है, वो कोस रहे होंगे अपने आप को और इन लोगों को, क्योंकि ये लोग अपनी गलती को छुपाने के लिए पिछली सरकार का कब तक आखिर उसके पीछे छुपते रहेंगे। जहां तक इस घटना की बात है, कासगंज की घटना वाकई में बहुत दुखद है और इसने प्रशासन की पूरी कलई खोल के दिखा दी। पुलिस प्रशासन की क्या क्या हकीकत है वो खोल के दिखा दी, कानून व्यवस्था की क्या हकीकत है वो खोल के दिखा दी। और जहां तक इस घटना के में भाजपा के नेताओं का जो रोल रहा है, तो आप देखेंगे कहीं ना कहीं पूरे सोच समझकर इस तरीके से ये बात की जा रही है, क्योंकि जो भाजपा के सांसद है राजवीर सिंह, वो जाते हैं वहां पर एक पक्ष के पास जाते हैं, वहां कहते हैं कि ये हमारा पक्ष है और दूसरे पक्ष की बात करते हैं, जिससे कि जहां उन्हें देखिए सांसद जो होता है संवैधानिक पद पर होता है वो सभी का सांसद है, वहीं पर वो कहते हैं कि ये एक पक्ष हमारा है और इस तरीके की बात करके दोनों पक्षों के बीच में खाई पैदा करने का बात करते हैं। वहीं जो जो कटियार साहब हैं, जो दूसरे जो भाजपा के सांसद है, वो और उनसे भी आ गए। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के यहां कागज में पाकिस्तान समय पूरा हो गया, लेकिन मैं वापस आऊंगी आपसे पूछूंगी कि आपके नेता भी तो नहीं गए वहां पर? आपके नेता तो हर जगह पहुंच जाते हैं। समाजवादी पार्टी से भी मैं सवाल पूछूंगी, कांग्रेस पार्टी से भी पूछूंगी कि यहां तो नहीं पहुंचे अभी, आप लोग नहीं गए ना? सुमेरा जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने बिल्कुल ये बात कहा कि जैसे ही माहौल वहां पर नॉर्मल हो जाएगा हम लोग वहां पर जाएंगे, चंदन के परिवार से मिलेंगे। अगर अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी अगर वहां जाते तो आप लोग यही कहते कि आप लोग राजनीति करने पहुंच गए। आज चंदन देखिए ऐसा दादरी में नहीं हुआ था, ऐसे बाकी जगहों पर नहीं हुआ। नहीं, दादरी में भी नहीं गए थे अखिलेश जी? हां, अखिलेश नहीं गए, लेकिन समाजवादी पार्टी के नेता तो गए थे, क्योंकि वो तब मुख्यमंत्री थे, उन्होंने अपने पास बुला लिया था उनको। ठीक है, वापस इस मुद्दे पर आएंगे। हमारे साथ अतर हुसैन देहलवी मौजूद हैं, वो रह गए, उनका 60 सेकंड अभी बाकी है, इसलिए उनसे मैं 60 सेकंड में चाहूंगी कि वो अपना पक्ष रखें। आपने सुना सभी पक्षों को, क्या आपको लगता है कि कासगंज हिंसा के लिए उस तरह के लोग जिम्मेदार हैं जो तिरंगे का विरोध कर रहे थे? क्योंकि ये लगातार कहा जा रहा है कि कुछ पाकिस्तान के समर्थन की सोच रखने वाले लोग वहां पर मौजूद हैं और इस वजह से इस तरह के हालात पैदा हुए। क्या राष्ट्र ध्वज का अपमान मकसद था? नहीं, बिल्कुल नहीं। पहली चीज तो ये कि 15 अगस्त 1947 को भारत के हिंदू और मुसलमानों ने जिना की टू नेशन को धार कर तिरंगे को अपना मनाया था। जिन लोगों ने 52 साल तक तिरंगे का अपमान किया, उसको नहीं अपनाया, उनको सोचना चाहिए। मैं कासगंज की बात करता हूँ, कासगंज में कुछ हुआ दुखद है। चंदन की जाहिरी बात है, चंदन की जो निर्मम हत्या है वो सिर्फ निंदनीय नहीं है, बल्कि अब सरकार को उसके दोषियों को सजा देनी चाहिए। साथ साथ अकरम जिसने अपनी आँख खोई, नौशाद जिसने अपनी टांग गंवाई है, और वो लोग जो वातावरण और समाज में जो विघटन हुआ है, इस पर अब सरकारों को काम करना पड़ेगा। देखिए, समय एक आखिरी बात समझने की जरूरत है 60 सेकंड में। इस पूरी लड़ाई में सियासत इसलिए भी है कि ये वही सांसद हैं कासगंज के, जिनके बारे में कहा जा रहा है कि अगली बार इनका टिकट काटा जाएगा। ये नाअहल नए मेंबर आने पार्लियामेंट में से, इसलिए कहीं ना कहीं ये कल्याण सिंह वर्सेस योगी का जो पहलू है इस पूरी लड़ाई के अंदर, यानी अपनी ही सरकार को बर्बाद और नाकाम करने के लिए एक नाअहल एमपी की तरफ से भी ऐसी कोशिश की गई है, मेरा यह भी मानना है। तो आपके 60 सेकंड पूरे हो गए हैं, बताना तो पड़ेगा। मैं अब हमारा राउंड शुरू होता है सबसे बड़ा सवाल, यानी आज के मुद्दे पर बहस। राकेश त्रिपाठी जी, आपने बहुत बताया कि सरकार क्या करने वाली है, कितनी सख्ती से निपटने वाली है, कैसे सीधे एनकाउंटर कर दिया जाएगा, लाइव पोस्टमार्टम कर दिया जाएगा। कोई अभी तक चंदन के घर क्यों नहीं गया?
देखिए, हम मानते हैं कि जहाँ पर भी सांप्रदायिक सद्भाव बिगड़ता है या कहीं पर अशांति होती है तो वहाँ पर नेताओं की आवाजाही से निश्चित तौर पर माहौल और बिगड़ता है। वहाँ के स्थानीय सांसद, स्थानीय विधायक, वहाँ के पार्टी के तमाम नेता, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, SP, तमाम जिम्मेदार अधिकारी, ये सब लोग वहाँ पर गए हैं। ADG वहाँ के जोन के वहाँ गए हैं, उनके घर पर गए हैं। स्थानीय स्तर पर जो भी नेता जिनको जाना चाहिए वो वहाँ गए हैं, और जैसे ही स्थितियाँ कुछ नॉर्मल होंगी बड़े नेता और भी प्रदेश स्तर के नेता भी वहाँ जरूर जाएंगे। लेकिन मैं मानता हूँ कि वहाँ जाने से ज्यादा जरूरी है कि पुलिस वहाँ ठोस कार्रवाई करे। दोनों माह दो इसमें तो सर, वो ठोस कार्रवाई में 26 जनवरी, राकेश जी, उस ठोस कार्रवाई में अभी तक कुछ हुआ क्यों नहीं? इस वजह से मैं ये सवाल कर रही हूँ क्योंकि कासगंज में हालात पूरी तरह से नॉर्मल अभी भी नहीं हुए हैं। इतना सख्त रवैया अख्तियार करने के बाद जब आप ये कह रहे हैं कि किसी को नहीं बख्शेंगे, खुद मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि हम किसी को नहीं बख्शेंगे, आप कह रहे हैं कि सख्ती से कार्रवाई की जाएगी, उप मुख्यमंत्री आकर बयान दे रहे हैं, तो फिर हालात नॉर्मल क्यों नहीं हो रहे? हर दिन कोई ना कोई घटना हो जाती है। मैं उदाहरण दे रहा हूं सुमेरा जी आपको, उत्तर प्रदेश में, जिस उत्तर प्रदेश में लगातार दंगा नियति बन गई हो, कोई ऐसा दिन न जा रहा हो जिस उत्तर प्रदेश में, जब उत्तर प्रदेश के किसी न किसी हिस्से में सांप्रदायिक सद्भाव बिगड़ने की घटनाएं ना होती हो, सांप्रदायिक तनाव की घटनाएं ना होती हो। उस उत्तर प्रदेश में जिम्मेदारी पर सवाल पूछेंगे ये लोग क्या करेंगे पिछली सरकार की, हम उसी दिन तुरंत उस हिंसा की घटना पर काबू पा लेते हैं। एक भी हिंसा की घटना 26 जनवरी के बाद नहीं हुई है राकेश जी। नहीं, एक भी घटना हिंसा की नहीं हुई 26 जनवरी के बाद। मुजफ्फरनगर में माल गोदाम रोड पर दुकान में आग लगाने की कोशिश की गई, मंगलवार को एक धार्मिक स्थल पर तोड़फोड़ की कोशिश की गई, बस में आग लगाई गई, ये तमाम घटनाएं तो 26 के बाद ही हुई है ना? नहीं मानेंगे ये। नहीं ये देख, नहीं सुमेरा जी शहर के अंदर कोई घटना नहीं हुई, शहर के बाहरी हिस्से में शरारतपूर्ण तरीके से, अरे भाई बस भी जली है, ट्रैक्टर भी जला, तीन झोपड़ियां भी जली हैं, कबाड़ जला करके ये स्थापित करने का प्रयास, तीन झोपड़ियां जिनमें लोग रहते थे वो तक जली है, कहीं किसी भी व्यक्ति की जान या माल को किसी तरह का कोई खतरा नहीं। राकेश जी आप खुद परिभाषित कर लीजिए कि किसको आप कहते हैं कि हालात ठीक है और किसको आप कहते हैं कि हालात ठीक नहीं है। अब मैंने बता दिया आपको तो आप कह रहे हैं वो शहर के बाहर हुआ है, अगर मैंने कह दिया तो आप कह रहे हैं कि वो सिर्फ एक जगह पर हुआ है। सर ऐसे नहीं होता ना, हालात नॉर्मल मतलब हालात नॉर्मल, हालात नॉर्मल नहीं मतलब नॉर्मल नहीं, प्रयास किया गया है। अगर ये कहने के बावजूद स्कूल कॉलेज खुल जाने चाहिए, स्कूल कॉलेज नहीं खुल रहे हैं, इसका मतलब लोगों को भरोसा नहीं है कि बाजार नहीं खुल रहा है, दुकानें नहीं खुल रही है। उत्तर प्रदेश में किस प्रकार की परिस्थितियां रही हैं राकेश जी, राकेश जी घुमाइए मत, राकेश जी घुमाइए मत, राकेश जी घुमाइए मत, आलोक जी, आलोक जी हालात नॉर्मल कैसे होंगे, क्यों नहीं हो रहे ये कहने के बावजूद कि इतनी सख्ती से निपटा जाएगा, सरकार कह रही है दुकानें नहीं खुल रही। देखिए मैं पूरी तरह से आपकी बात से सहमत हूं कि हालात नॉर्मल की परिभाषा पहले डिफाइन कर ली जाए, और सबसे ज्यादा हालात को बिगाड़ने में अगर कहां वहीं पर किसी का कोई योगदान रहा है तो वहां के सांसद राजवीर जी का रहा है, विधायक टी राजा का रहा है, और विनय कटियार साहब भी उस आग में कूद पड़े हैं। तो सबसे पहले आप अपने घर को तो सुधार लीजिए। अभी तिवारी साहब भी बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, इनके इंटरनेशनल अध्यक्ष के ऊपर इतना बड़ा वो अटैक हुआ, उसके ऊपर एक आदमी बाहर बोलने नहीं आया, लेकिन आज इनको हिंदू मुस्लिम करने का मौका मिला है तो जरूर बोलेंगे सब लोग। आज भी नहीं बोलेंगे सोमड़िया जी, राकेश त्रिपाठी जी जिस तरह से जो आरोप लगा रहे आलोक जी, उसका क्या जवाब है? क्या सब पर कार्रवाई होगी, जो भी उकसा रहा है, जो भी आग में घी डाल रहा है, क्या सब पर कार्रवाई होगी? 100 से ज्यादा लोगों की गिरफ्तारी हुई है और फेसबुक पर अफवाह फैलाने वाले 4 लोग, अरे भाई अपने घर के लोगों को कुछ लोगों को गिरफ्तार कर लो, सब मंच से आग्रह कर रहा हूँ, इस फोरम से आग्रह कर रहा हूँ, एक किसी भी प्रकार की अफवाह ना फैलाएं, क्योंकि अफवाह फैलाने वालों पर भी हम ठीक है राकेश कार्रवाई कर रहे हैं जी। विजय शंकर तिवारी जी, मेरा आपसे सवाल, विजय शंकर तिवारी जी मेरा आपसे सवाल, आपने सुना राकेश जी वो कह रहे हैं कि इसलिए बीजेपी के नेता नहीं गए, इसलिए कोई बड़ा जिम्मेदार व्यक्ति नहीं गया क्योंकि उससे लोग भड़क जाते हैं, इसलिए सांप्रदायिक सौहार्द बनाने के लिए नहीं गए, फिर आप क्यों सवाल कर रहे हैं कि कांग्रेस से समाजवादी पार्टी जाए? मेरा पहली बात तो मैं आलोक जी का प्रश्न का उत्तर देता हूं कि राहुल जी एक एक महीने बाहर चले जाते हैं, बिना बताए चले जाते हैं, देश भर को पता नहीं चलता, इनसे पूछते रहते हैं, इनको पता नहीं होता है। हमारे पारिवारिक संगठन हो, इनकी एक USP है, जहां भी कोई घटना घटती है, कोई आपद स्थिति आती है, ये बिना बताए हमारे लोग किसी की सहायता के लिए पहुंचते हैं, हम कोई गा बजाकर नहीं जाते हैं, तो ये हमारी USP है, कहीं की भी देख लीजिए आप, हम जाते हैं, उसमें
हैं, कई बार हम हिंदू मुस्लिम भी नहीं देखते। तो फिर चंदन के परिवार को सड़क पर आकर प्रदर्शन करने की क्या जरूरत है कि मुझे हमें शहीद का दर्जा मिले, हमारे पास कोई नहीं आया? नहीं, आप अगर ये कह रहे हैं कि हम जाते हैं और हमने मदद पहुंचा दी है, हम उन तक पहुंचे हैं, तो क्यों उन्हें ऐसा लग रहा है कि उन तक नहीं पहुंचे लोग? उनकी मांग जायज है, वो बड़े नेता चाहती होंगी, बड़े प्रशासनिक अधिकारी चाहती होंगी, हाँ। और उनको जाना चाहिए, हाँ। उस विषय पर कोई मना नहीं। लेकिन एक बात जो चल रही थी, पाकिस्तानी समर्थक, तो एक बात आपको माननी पड़ेगी, देश भर में पाकिस्तानी समर्थक जगह जगह पर हैं, ये समय समय पर आपको दिखाई पड़ेगा। जब भी भारत में भारत और पाकिस्तान का क्रिकेट मैच होता है तो पाकिस्तानी झंडे कहाँ फहरते हैं? अरे नहीं नहीं, पिछले साल मेरठ में फहरा, ये लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है, दुर्भाग्य की बात यह है कि उनके पक्ष में भी हमारे देश के जो आज उनका बचाव कर रहे हैं उनके हथियारों का, वो लोग खड़े हो जाते हैं, इसलिए ऐसी घटनाएं घटती है। कौन लोग हैं जो बचाव कर रहे हैं? कौन लोग हैं? बता रहा हूँ, आलोक जी बचाव कर रहे हैं। इससे बड़ा झूठ नहीं हो सकता, इससे बड़ा झूठ नहीं हो सकता। जवाब ले लेते हैं। इन्होंने बहुत गंभीर आरोप लगाया सुमेरा जी, इन्होंने बहुत गंभीर आरोप लगाया कि हम बचाव कर रहे हैं। आप मुझे एक भी स्टेटमेंट ये बता दीजिए समाजवादी पार्टी के नेता का, या अभी इस डिबेट पे इन्होंने कहा अनिल जी बचाव कर रहे हैं, हमने कोई भी स्टेटमेंट मुख्य आरोपी, उनके लिए कहा जा रहा है कि वो समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए हैं। अरे क्यों नहीं पकड़ पा रहे हैं? क्यों नहीं पकड़ पा रहे? पहली बार सुमेरा जी, मैं आपको, अरे नहीं देखिए, आपके बीच में नहीं जा रहा, पकड़ना चाहिए उनको। कैसे? अरे बेगुनाहों का जवाब सुनिए, आपने आरोप लगाया ना, बेगुनाहों को पकड़ लेंगे? मैं ये जानना चाहता हूँ सुमेरा जी, विनय कटियार जी ने यह बयान दिया कि जो कासगंज में लोग रह रहे हैं वो पाकिस्तान के समर्थक और पाकिस्तान के नारे लगाने से खुश होते हैं। पहली बात तो ये कि वो कौन लोग हैं, अगर उन्हें पता है तो वो ये इस बात को सबको क्यों नहीं बताते, पुलिस को क्यों नहीं बताते, प्रशासन को क्यों नहीं बताते? उसके बाद पुलिस के, यूपी पुलिस के आईजी का बयान आता है कि वहां पर जो है दोनों ही पक्ष तिरंगा फहराना चाह रहे थे, तो पाकिस्तान के झंडे की तो बात ही नहीं आई। खुद दो पक्षों के बीच में इस नफरत को बढ़ाने का काम विनय कटियार कर रहे हैं, और वही काम यहां पर विजय शंकर जी कर रहे हैं। मैंने शुरू में कहा था कि स्क्रिप्ट है, मैं जेएनयू की घटना बताता हूं, इसी न्यूज चैनल। अरे आप बारे में बात करिए, स्क्रिप्ट कुमार बाहर क्यों है बताइए, कन्हैया कुमार बाहर क्यों है ये बताइए। मुद्दे पर रहते हैं, मुद्दे पर रहते हैं। मेरी बात सुनिए, अतर हुसैन दहलवी प्रतिक्रिया देना चाहते हैं। अतर हुसैन दहलवी, विजय शंकर तिवारी आज भी कल भी हमारे साथ जब भी चर्चा में आ रहे हैं, कासगंज की घटना को लगातार पाकिस्तान के समर्थकों से जोड़ा जा रहा है। बिल्कुल, कौन है पाकिस्तान के समर्थक, कौन राष्ट्रीय ध्वज का विरोध कर रहा था, और क्या इसको बर्दाश्त किया जा सकता है, और उसके अगर बर्दाश्त नहीं किया जा सकता तो जवाब में क्या गोली चलाई जा सकती है? देखिए, पहली चीज तो मैं ये बताऊं आपको कि लोगों में अविश्वास इतना ज्यादा हो गया है कि ईद मिलाद के हरे झंडे को भी लोग पाकिस्तान का कह रहे हैं, और हर भगवा झंडे को लोग आरएसएस का झंडा समझने लगे। ये दोनों तरफ से हो रहा है। लेकिन मैं कासगंज पे आता हूं, कासगंज में जो कुछ हुआ है, मेरा कहना यह है, मैं इस वक्त अमन के साथ, हम चाहते हैं आप चंदन के साथ, चंदन को इंसाफ मिलना चाहिए, लेकिन आप समाजवादी और बीजेपी कह के नहीं हट सकते हैं। ये हमारा बयान नहीं था, एलएजी ला का बयान था कि जो रैली निकाली वो एबीवीपी के निकाली, लेकिन मैं एबीवीपी को उसमें शामिल नहीं करना चाहता। मेरा कहना ये है, अकरम जिसकी आंख इसने अपनी खोई है, उसने कल भी कहा कि अमन बना के रखने की जरूरत है, लेकिन हमारे नेता क्या कर रहे हैं ये लोग? विनय कटियार साहब का बयान, अभी राकेश त्रिपाठी जी कह रहे हैं, मैं तो इनसे कहता हूं साहब आप चंदन को भी इंसाफ दिलाइए, अकरम के बारे में, नौशाद के बारे में आपके किसी नेता, आपसे मतलब सरकार और यानी बीजेपी के एक नेता का एक बयान नहीं आया, और ये कह रहे हैं फेसबुक पर हम कार्रवाई करेंगे। कल एक सिद्ध टीवी चैनल के मालिक और उसकी तरफ से एक बयान आता है कि राहुल उपाध्याय को मुसलमानों ने मार दिया, क्या उन्होंने उस टीवी चैनल के खिलाफ बीजेपी ने या प्रशासन ने कोई इंक्वायरी की? गरीब लोगों को, आम लोगों को फंसाना चाहते हैं सिर्फ। जवाब दे राकेश, आपको जवाब देना है। देखिए अतर हुसैन जी, मैं लगातार बार बार इस बात की अपील सरकार की तरफ से भी होती रही है और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी होती रही है, किसी तरह की अफवाह न फैलाई जाए, वहां शांति अमन चैन बनने के लिए सब लोग अपना सहयोग दें। चार लोगों को हमने गिरफ्तार किया है जिन्होंने सोशल मीडिया साइट्स पर राहुल उपाध्याय के संदर्भ में अफवाह फैला करके चैनल के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं होगी? ऐसे सब लोगों पर निगाह रख रहे हैं। नहीं, आप बड़ी मछली को पकड़िए, आप बड़ी मछली को पकड़िए, संदर्भ में भी हमारी चिंता है। राकेश, राकेश ये नाइंसाफी है, आप उन लोगों को पकड़ना जिनके फॉलोवर्स
जिम्मेदार नहीं है, एक बड़े चैनल के लिए बड़े चैनल के बड़े जिम्मेदार हम कोई कार्रवाई निश्चित नहीं करते हैं। एक रिपोर्टर भी वहां पर कार्रवाई की कार्रवाई हो रही है, आप निश्चित रहिए। 100 से ज्यादा गिरफ्तारियां हुई हैं और जो भी इसमें अक्यूज हैं एक एक पहलू की बारीकी से जांच करेंगे। लेकिन राकेश जी बरेली के जो डीएम है जब वो कुछ कहते हैं तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई होगी, जो वो कह रहे हैं उस पर क्या हमें विचार करने की जरूरत है या कार्रवाई करने की जरूरत है? देखिए सुमेरा जी, बरेली के डीएम ने जो कहा है वो किसी भी नौकर साहब को नहीं लिखना चाहिए, सामान्य तौर से परहेज करना चाहिए। चाहिए पिछली समाजवादी पार्टी की सरकार ने और बहुजन समाज पार्टी की सरकार ने एक अपराध किया है कि उत्तर प्रदेश की नौकरशाही को जातिवादी खांचे में बांटने का काम किया है, राजनीतिक दल के कार्यकर्ता बना देने का काम किया है। सुनिए, मुजफ्फरनगर में संगीत सोम, सुरेश राणा और जो वो सारे लोग थे। आप बताइए इन्होंने क्या किया? सुरक्षा दे दी, सुरेश राणा को मंत्री बना दिया और आज सरकार आई है तो मुकदमे भी हटवा रहे हैं। तो ये दंगे कराएंगे और मुजफ्फरनगर हुआ था तो आपने कितने पुलिस अधिकारियों पर कार्रवाई करी, ट्रांसफर किया था? तो अगर ये सरकार ट्रांसफर कर रही है तो वो पक्षपात कैसे है? वो कैसे पक्षपात है? अगर आपने ट्रांसफर किया और वो ठीक था तो ये सरकार ट्रांसफर कर रही है तो पक्षपात कैसे? दंगे के आरोपी थे, ये सरकार उनके खिलाफ जो मुकदमे थे उनको वापस लेने का काम कर रही है। आप अधिकारियों के ट्रांसफर की बात कर रही है और दूसरी बात मेरा जी, एक सेकंड देखिए, इनकी संवेदनशीलता का आप अंदाजा इस बात से लगा सकती हैं कि जब कासगंज की घटना घटती है तो इनके पार्टी के विधायक बगल में कैलाश खेर कॉन्सर्ट देख रहे थे। आलोक जी, आपने सुना राकेश जी को कह रहे हैं डीएम बरेली के ऐसा नहीं कह सकते क्योंकि वो नाकाम, लेकिन विनय कटियार ऐसा बयान दे सकते हैं, एमपी बयान दे सकता है इनका? देखिए, मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की हमेशा से यही आदत रही है, ये अच्छी बात को भी ग्रहण नहीं करना चाहते हैं, किसी पर विचार ही नहीं करना चाहते हैं। अभी राकेश साहब भी बात कर रहे थे और पंडित जी तिवारी साहब भी कह रहे थे कि साहब वो प्रथा बन गई है झंडा फहराने की। अरे भाई, अपने गिरेबान में झांक लें आप दोनों। 10,000 पत्थर बाद जो जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान का झंडा लहराते थे उनको 3 दिन पहले रिहा किया आप लोगों ने, यहां पूरे देश को आप देशभक्ति का सर्टिफिकेट बांट रहे हैं दोनों बैठकर। थोड़ा सा अपने गिरेबान में झांकिए, संवेदनशील मुद्दों पर इस तरह के बयान मत दीजिए। अगर कोई गलत कर रहा है तो उसके खिलाफ आप एक्शन लीजिए। कश्मीर के लोग भी जानते हैं और देश के लोग भी जानते हैं। अरे साहब, कश्मीर के हालात 4 साल के अंदर बद से बदतर हो गए। वहां पर टूरिज्म 92% गिर गया, वहां से जितने 1500 जम्मू कश्मीर में कश्मीरी पंडित गए थे वो वापस आ गए। नकली हिंदुत्व पर बैठ कर अगला राउंड आमने सामने। राकेश त्रिपाठी जी, मैं आपसे एक सीधा जवाब चाहती हूं, कौन है जिम्मेदार कासगंज पे जो हुआ उसके लिए, और अभी तक हालात नियंत्रण में नहीं है आपके, उसके लिए कौन जिम्मेदार है? देखिए सुमेरा जी, मैं बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूं, कासगंज के हालात पूरी तरह से नियंत्रित हैं, एहतियात के तौर पर वहां पर कुछ एहतियात बरती गई है, वहां फोर्सेस का डिप्लॉयमेंट है, लेकिन कासगंज में पूरी तरह से शांति व्यवस्था कायम है। वहां पर आलोक जी, मैं चाहूंगी इस पर आप प्रतिक्रिया दें, चीजें भी लोगों आमने सामने। आलोक जी और राकेश जी, आपने सुना राकेश कह रहे हैं कि हालात नियंत्रण में, कुछ असामाजिक तत्व और प्रशासन दोनों जिम्मेदार हैं और इस पर कहीं पर भी किसी रूप में किसी को राजनीति नहीं करनी चाहिए। वहां पर हालात अभी भी संवेदनशील हैं, उस पर प्रशासन को नजर रखनी चाहिए और याद कहीं और फैलनी नहीं चाहिए। इसका प्रशासन पूरी तरह से इस चीज को सुनिश्चित करे और बयान वीरों को चुपचाप रहना चाहिए अपने घर में। राकेश जी, जवाब आपका। नहीं, हम बिल्कुल सहमत हैं, प्रशासन पूरी तरह से वहां नजर बनाए हुए हैं, हमने पूरी एहतियात वहां पर बरत रहे हैं, जो भी दोषी हैं उन दोषियों के अपने बयानवीरों को भी शांत कीजिए, उनको घर में बैठाइए, लोगों को पुलिस ने इस समय अरेस्ट कर रखा है। अनिल यादव, क्या हालात नियंत्रण में
कासगंज में लगातार दावा कर रहा था। वो नहीं कि 100 लोगों को पकड़ लिया, 100 लोगों को कि 26 तारीख को जो घटना हुई उसके बाद कोई घटना ही नहीं हुई, जबकि आपने भी बताया और हम सभी लोगों को जानकारी है कि कई झोपड़ियां जल गई, बसें जल गई और धार्मिक संस्थान तक पे भी हमला हुआ। उसके बाद ये कह रहे हैं कि वहां पर स्थिति नॉर्मल है। मैं आपको बता दूं 26 जनवरी को जो घटना घटी है उसके 100 मीटर पे कोतवाली थी, तो कैसे नियंत्रण है इनका ये बता दें। और उसके बाद जो भारतीय जनता पार्टी के नेता बयान दे रहे हैं तो वो बयान क्यों दे रहे हैं, क्यों, क्या ये दोबारा दंगा भड़काना चाहते हैं, क्या जो जैसे तैसे करके जो वो खाई पटने वाली होगी उसे दोबारा ये ताजा करना चाहते हैं। विजय शंकर तिवारी जी, क्यों दे रहे हैं इस तरह के बयान? बचाने के पक्ष में अखिलेश यादव जी का ट्वीट हमने देख लिया है। आरोपी नहीं, 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 ये गलत स्टेटमेंट है। उन्होंने कहा है कि निर्दोषों पे कार्रवाई ना हो। सुमेरा जी, आप बताइए क्या निर्दोषों पे कार्रवाई होनी चाहिए? क्या निर्दोषों पे कार्रवाई होनी चाहिए? शंकर जी, आप निर्दोषों पे कार्रवाई ठीक रहती है? अनिल जी, ये आपने, लेकिन आपको क्यों लगता है कि निर्दोषों पे कार्रवाई होगी? नहीं, हमने कहा कि निर्दोषों पे कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, जो दोषी है उस पर कार्रवाई करिए। सरकार को तय करने दीजिए। विजय शंकर तिवारी जी, आप करेंगे ना कौन दोषी कौन निर्दोष? सरकार तो संगीत सोम को भी निर्दोष मान रही है, सुरेश राणा को भी निर्दोष मान रही है, जिनपे मुकदमे चल रहे हैं। आप लखनऊ बुलाते न्याय, दूसरी बात, यहाँ एक बात करता हूँ मैं कि जो शासन है, जो प्रशासन है, दोषी को ही पकड़ेगा ना। नहीं, धर्म देखकर नेता और अपनी राजनीति देखकर सहानुभूति बताइए, ये बताइए, वो विशेष धर्म का है, मुसलमान है, इसलिए दोषी नहीं हो सकता? और क्या वो विशेष धर्म का है, हिंदू है, इसलिए उसके साथ खड़े होंगे? ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना। पुलिस पर छोड़िए ना, अगर चंदन भरा है तो उसको भी इंसाफ मिलना चाहिए, और अगर कोई और नाम से व्यक्ति भरा है तो उसको भी इंसाफ मिलना चाहिए, तो कैसे बनेगा? विजय शंकर तिवारी, क्या धर्म देखकर इंसाफ करेंगे? आप ये बताइए, अगर नहीं इंसाफ, क्या सरकार धर्म देखकर इंसाफ करेगी? कौन कर रहा है? आप कह रहे हैं ना, मैं कह रहा हूँ पुलिस वाले शासन जब किसी को पकड़ेगा, हाँ? मुस्लिम है इसलिए नहीं पकड़ना चाहिए, मुसलमान को पकड़े चाहे हिंदू को पकड़े, दोषी को पकड़ेगा? तिवारी जी, अपराधी का कोई धर्म नहीं होता, ना वो हिंदू होता है ना मुसलमान होता है। नहीं नहीं, हिंदू का धर्म होता है, हिंदू का धर्म अपराधी होता है। नहीं नहीं, आतंकवादी ना हिंदू है ना मुसलमान है, आतंकवादी लोगों का बनाया हुआ है। लेकिन जब ये आंदोलन चलेगा, अपराधी का कोई धर्म नहीं होता, अथर हुसैन देल। देखिए सुमेरा, मैं फिर कह रहा हूँ, धर्म की चर्चा क्यों हो रही है? दोषी है उन्हें पकड़ा जाएगा, जो दोषी नहीं है उन्हें नहीं पकड़ा जाएगा, प्रशासन अपना काम करेगा। ये धर्म की आग को कौन सुलगा रहा है और उससे किसको फायदा है? देखिए सुमेरा से एक मिनट के सुन लीजिए, सियासत की हालत इतनी खराब हो गई है, हम यहाँ बैठ के बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। हमारा कहना है कि आप कहते हैं वंदे मातरम को लेकर तमाम का तमाम फिसाद हुआ, वंदे मातरम आजादी का, उसमें किसी को एतराज नहीं होना चाहिए, लेकिन क्या भारतीय जनता पार्टी और विजय शंकर तिवारी जी ये बात बता देंगे कि 2006 के रेजोल्यूशन में शिरोमणि अकाली दल ने कहा किसी खालसा स्कूल के अंदर वंदे मातरम नहीं होगा, लेकिन ये 7 साल उनके साथ सरकार बनाए हुए थे। ये कहते हैं तिरंगा यात्रा, अरे तिरंगा यात्रा आप सुकमा क्यों नहीं गए? मैं कांग्रेस का पक्षधर बन के नहीं बैठ रहा, लेकिन अकेले वो विद्याचरण शुक्ला थे जो सुकमा के उन इलाकों में गए जहां तिरंगा आज भी हराना बड़ी मुश्किल काम है। कोई तिरंगा यात्रा सुकमा क्यों? और आखिरी बात, अकरम का दोषी हो या चंदन का दोषी हो, सजा सरकार को देनी पड़ेगी। हमारे अगले राउंड का समय हो गया, रैपिड फायर राउंड। रैपिड फायर राउंड में सबसे पहले मेरा सवाल विजय शंकर तिवारी आपसे, विनय कटियार जिस भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं उससे हालात और क्या नहीं बिगड़ेंगे? देखो, वो भाषा कोई गलत भाषा का प्रयोग नहीं कर रहे हैं, वो बिल्कुल स्पष्ट बता रहे हैं। लोग घुमा घुमा कर बात करते हैं, वो बहुत सीधी बात कर रहे हैं और जनता को सब कुछ समझ में आता है जो बात कर रहे हैं वो। ठीक है, आपके मुताबिक ये इस भाषा में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए, साफ भाषा ही है। राकेश जी, मेरा अगला सवाल आपसे, सिर्फ अधिकारियों पर कार्रवाई से क्या होगा जब नेता भड़काऊ बयान देते रहेंगे? नहीं, भड़काऊ भाषण कोई भी करेगा, कोई भी उत्तेजना फैलाने का काम करेगा, उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई करने में सरकार पीछे नहीं हटेगी। किसे मानते हैं भड़काऊ भाषण? किसी भी मजहब का हो, किसी भी जाति का। किसे मानते हैं भड़काऊ भाषण? नहीं, जिससे भी सांप्रदायिक सद्भाव को खतरा पहुंचता हो, जिससे भी जनमानस को ठेस पहुंचती हो, भड़काऊ भाषण क्या है ये कानून को तय करने दीजिए। ठीक है, क्या समाजवादी पार्टी के शासनकाल में हुए दंगों का हवाला देकर बीजेपी अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ सकती है? भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश की सरकार बदतर हो चुकी व्यवस्था को पटरी पर ला रही है, जिस उत्तर प्रदेश में लोगों के मन में कानून का कोई भय न रह गया हो, जिस उत्तर प्रदेश में पुलिस का मनोबल खत्म हो गया हो, पिछली सरकार के किए हुए कामों को सुधार रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। क्या राज्यपाल की तल्ख टिप्पणी से बीजेपी और यूपी सरकार ने कोई सबक नहीं लिया है? नहीं, बिल्कुल, उत्तर प्रदेश के अभिभावक हैं, महामहिम राज्यपाल जी की किसी भी बात को हम सर्वाथे रखते हैं और उत्तर प्रदेश के संदर्भ में उनकी चिंता वाजिब है, जायज है, और ये चिंता उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को भी है, उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार को भी है। मेरा अगला सवाल आलोक जी आपसे और अनिल यादव जी आपसे, सबसे पहले अनिल जी आपसे मेरा सवाल रैपिड फायर राउंड में अगला,
क्या विपक्ष का काम सिर्फ सरकार पर आरोप लगाना है? नहीं, बिल्कुल नहीं। विपक्ष का काम है जो जनता के के साथ जो दुराचार हो रहा है, जो दंगे हो रहे हैं उनकी, जैसे जिसमें चंदन गुप्ता के परिवार के साथ जो हुआ है, चंदन के साथ जो हुआ है, आक्रम के साथ जो हुआ है, इन सभी की बात को सरकार तक पहुंचाना और सरकार से मांग करना कि जब परिवार 50 लाख मांग रहा है तो 20 लाख क्यों दिए, 50 लाख दीजिए, सरकारी नौकरी दीजिए। आलोक जी, जब सूबे में सांप्रदायिक हिंसा हो रही है तो क्या विपक्ष को सरकार का साथ नहीं देना चाहिए? देखिए, मैं समझता हूं कि सरकार का साथ देना अच्छे कामों में जरूरी है, लेकिन अगर सरकार की और प्रशासन की कोई कमी है तो विपक्ष का नैतिक धर्म बनता है, राजनीतिक धर्म बनता है कि उस कमी को उजागर भी किया जाए, उसमें कहीं पर कोई गलत नहीं। लेकिन सरकार अगर राजनीतिज्ञों के बयान अपने ऊटपटांग बयानों का बचाव करने लगे और प्रशासन के ऊपर कार्रवाई ना करे तो ये ज्यादा दुर्भाग्य। क्या विपक्षी पार्टियां भी वोट बैंक के लिए सांप्रदायिकता को जिंदा रखना चाहती हैं? देखिए, अभी कहीं पर सांप्रदायिकता की बात ना कोई पार्टी, विपक्ष की पार्टी कोई कर रही है। अभी अगर किसी ने किया है तो पूरी डिबेट में भी विश्व हिंदू परिषद ने इसको हिंदू मुस्लिम में बांटने का काम किया है। आरोपी आरोपी है, ठीक है। किसी की हत्या हुई, मतलब चाहे आप वो हिंदू था चाहे मुस्लिम था, सब बराबर है, दोषियों पर कार्रवाई होनी चाहिए। अनिल यादव जी, बीजेपी सरकार पर दंगे का इल्जाम लगाकर क्या समाजवादी पार्टी अपने शासनकाल में हुए दंगों के दाग धोना चाहती है? बिल्कुल नहीं। जहां तक हमारी बात है तो अगर मुजफ्फरनगर की बात करें, हमने सभी दोषियों पर कार्रवाई की है, पर ये लोग वो हैं जो जिन्होंने दंगे कराए, आज उनके खिलाफ मुकदमे वापस लेने के लिए तैयार है। संगीत सोम और सुरेश राणा को, एक को मंत्री बना दिया, एक को जेड श्रेणी की सुरक्षा दे दी, और आज ये समाजवादी पार्टी के कार्यकाल को गिनवा के बच नहीं सकते जिम्मेदारियों से। जवाब तो इन्हें देना होगा। नहीं, लेकिन आप अपने कार्यकाल के दंगों के दाग कैसे धोएंगे सिर्फ उन पर इल्जाम लगाकर? हमारे पास समय खत्म हो रहा है। सोशल मीडिया पर हमने सवाल पूछा था कि क्या दंगाइयों का जिंदा पोस्टमार्टम जरूरी है, इस पर दर्शकों की क्या राय है वो भी आइए आपको दिखा देते हैं। सोशल मीडिया पर जो लोगों ने राय दी है, 63% लोग कह रहे हैं कि हाँ जरूरी है, नहीं कह रहे हैं 31% लोग, और 6% लोगों का कहना है पता नहीं। यानी बड़ी संख्या में लोग मानते हैं कि हाँ ये जरूरी है, जिंदा पोस्टमार्टम को वो जरूरी समझते हैं। रुक रहे हैं कुछ देख ले, कल शाम 6:57 पर फिर हाजिर होंगे, लेकर एक बड़ा और अहम मुद्दा बताना तो पड़ेगा।